हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने टेक्निकल डोमेन चैनल पे। दोस्तों, जुलाई मंथ में इंडिया में काफी सारे फोन लॉन्च हुए। कुछ फोनों का तो काफी लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। फाइनली जब फोन लॉन्च हुए तो इन फोनों पे बहुत लोगों को मायूसी मिली, क्योंकि जिस हिसाब से हाइप क्रिएट कर रखी थी उस हिसाब से इस फोनों पे लोगों को प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं मिला। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन प्लस नोट और ओप्पो रेनो 4 में कंपैरिजन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, पहले दोनों फोनों के डायमेंशन की बात करते हैं। वन प्लस नोट में लगाया 6.4 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले, वहीं ओप्पो रेनो 4 प्रो की बात करें तो उसमें लगाया 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले। दोनों फोनों में रेजुलेशन 24,000x1080 पिक्सल के साथ आता है। वन प्लस नोट में 408 PPI है, वहीं ओप्पो रेनो 4 में 402 PPI है। दोनों का एस्पेक्ट रेशियो 20:9 का है। वहीं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो वन प्लस नोट में 86.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और ओप्पो रेनो 4 में 92.01% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। दोनों फोन 90Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन के साथ आते हैं और 180Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ। नोट के फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, जबकि ओप्पो रेनो 4 प्रो के फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। इसके नोट का बैक ग्लास फ्रेम के साथ आता है और ओप्पो रेनो 4 प्रो का प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों, वन प्लस नोट एंड्रॉइड 10 के साथ ऑक्सीजन OS 10.0 के साथ आता है, वहीं ओप्पो रेनो 4 प्रो एंड्रॉइड 10 कलर OS 7.2 के साथ आता है। वन प्लस नोट में लगाया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G जो एक 5G प्रोसेसर है, और वहीं ओप्पो रेनो 4 प्रो में लगाया स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। वन प्लस नोट में एडिनो 620 GPU है, वहीं ओप्पो रेनो 4 प्रो एडिनो 618 GPU के साथ आता है। दोनों के रैम की बात करें तो दोनों में रैम टाइप LPDDR4X रैम है। वन प्लस नोट आता है 6GB 8GB और 12GB रैम के साथ, वहीं ओप्पो रेनो 4 8GB रैम के सिंगल वेरियंट के साथ आता है। दोनों की स्टोरेज की बात करें तो वन प्लस नोट आता है 64GB 128GB और 256GB UFS 2.1 के स्टोरेज के साथ, वहीं ओप्पो रेनो 4 प्रो आता है 128GB UFS 2.1 स्टोरेज के साथ। वन प्लस नोट में लगी है 4115mAh की बैटरी जो 30W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। कंपनी का मानना है 30 मिनट में ये आपके फोन को 70% तक चार्ज कर देगा। वहीं ओप्पो रेनो 4 प्रो की बात करें तो ओप्पो रेनो 4 प्रो आता है 4000mAh बैटरी के साथ जो 65W सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0 के साथ आता है। कंपनी का मानना है आपका फोन 100% चार्ज अप टू 30 मिनट तक हो जाएगा। दोनों के कैमरे की बात करें तो वन प्लस नोट में लगाया 48MP का सोनी IMX586 सेंसर प्राइमरी कैमरा के साथ वाइड रियर कैमरा सेटअप, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो 119 फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है, 5MP का डेप्थ कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा। ओप्पो रेनो 4 प्रो में लगाया 48MP सोनी IMX586 सेंसर के साथ क्वाड रियर कैमरा सेटअप, जिसमें 8MP अल्ट्रा वाइड लेंस जो 119 फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है, 2MP का मैक्रो और 2MP का मोनो कैमरा। वन प्लस नोट में OIS और EIS दोनों का सपोर्ट है, जबकि ओप्पो रेनो 4 प्रो में सिर्फ EIS का सपोर्ट आता है। दोनों के फ्रंट कैमरे की बात करें तो वन प्लस नोट की बात करें तो वन प्लस नोट आता है डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप के साथ, जिसका प्राइमरी कैमरा 32MP सोनी IMX616 सेंसर के साथ आता है और 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। वहीं ओप्पो रेनो 4 प्रो की बात करें तो उस पर लगा एक 32MP का सोनी IMX616 सेंसर के साथ सिंगल कैमरा। दोनों फोन के फ्रंट कैमरा में EIS का सपोर्ट है। नोट का फ्रंट कैमरा 4K वीडियो 60fps और 1080 वीडियो 60fps तक रिकॉर्ड कर सकता है। वही अगर हम ओप्पो रेनो 4 प्रो की बात करें तो यह फोन सिर्फ 1080 वीडियो 120fps तक रिकॉर्ड कर सकता है। सार वैल्यू की बात करें तो वन प्लस नोट का सार वैल्यू बेटर है अकॉर्डिंग टू ओप्पो रेनो 4 प्रो। अदर फीचर की बात करें तो दोनों फोनों में फेस अनलॉक का ऑप्शन है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है। NFC दोनों फोनों में, USB 2.0 है, Type-C है। दोनों फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है। वन प्लस नोट में 3.5mm का हेडफोन जैक अवेलेबल नहीं है, वहीं ओप्पो रेनो 4 में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक भी अवेलेबल मिलेगा और Type-C केबल। वन प्लस नोट के इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करें तो वन प्लस नोट के बॉक्स में आता है एक मोबाइल फोन, 30W का रैप चार्ज और टाइप सी केबल जो
USB 2.0 को सपोर्ट करता है। वहीं ओप्पो रेनो 4 प्रो की बात करें तो इसके इनबॉक्स एक्सेसरीज में एक मोबाइल फ़ोन आता है, उसके अलावा 65 वोल्ट सुपर वोक 2.0 चार्जर आता है, एक एयरफोन आपको बॉक्स में मिलता है, टाइप सी केबल मिलता है जो USB 2.0 को सपोर्ट करता है। दोस्तों इनके प्राइस की बात करें तो वन प्लस नोट के 8GB 128GB वेरियंट का प्राइस है 27,999 और इसके 12GB रैम 250GB स्टोरेज का प्राइस है 29,999। वहीं ओप्पो रेनो 4 प्रो सिंगल वेरिएंट के साथ आता है जो 8GB और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, इसका प्राइस है जो 34,999। दोस्तों कैमरा कंपैरिजन की बात करें तो वन प्लस नोट में भी क्वाड रियर कैमरा सेटअप है और वहीं ओप्पो रेनो 4 में भी क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। फर्क यहाँ पे सिर्फ इतना है कि नोट में 5 MP का डेप्थ सेंसर आता है, वहीं ओप्पो रेनो 4 में 2 MP का डेप्थ सेंसर आता है। इसके अलावा दोस्तों नोट के कैमरा में OIS का सपोर्ट है जो कि ओप्पो रेनो 4 में OIS का सपोर्ट नहीं है, तो वन प्लस नोट का कैमरा है वो ज़्यादा बेटर है ओप्पो रेनो 4 प्रो से। दोस्तों ओवरऑल अगर हम फ़ोन के कंपैरिजन की बात करें तो मेरे को वन प्लस नोट यहाँ पे ज़्यादा बेटर लगता है। प्राइस की बात करें तो उसका प्राइस भी काफ़ी कम है। वन प्लस नोट का जो प्रोसेसर भी है लेटेस्ट है 765G है और वहीं ओप्पो रेनो 4 प्रो का प्रोसेसर 720G के साथ आता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।